हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस वर्ष हज के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। हज कमेटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि हर हाजी के लिए जरूरी है कि वह प्रस्थान की तारीख से कम एक महीना पहले तक COVID-19 यानी कोरोना वायरस के लिए मंजूरशुदा दोनों खुराक हासिल कर ले। सिर्फ ऐसे ही हज यात्रियों को हज 1443 हिजवी 2022 सीई में हज यात्रा पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बात का भी कभी इम्कान है कि कोरोना वायरस की आलमी बवा के चलते हज 1443 हिजरी मुताबिक 2022 सीई सिरे से ही मनसूख कर दिया जाए या इजाफी शरायत व जवाबियत को शामिल किया जाए, जिसका हतमी फैसला अयाम हज के करीब आते आते उस वक्त रुनुमा होने वाले हालात व मामलात के पेश नज़र हुकूमत सऊदी अरबिया करेगी। लिहाजा इस जिम्न में हज कमेटी ऑफ इंडिया को किसी भी तब्दीली, चाहे वह माशे हो, सेहत से मुताबिक हो या हज की मनसूखी से हो, जिम्मेदार नहीं होगी और उसे मरूदे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। मौजूदा हालात में हुकूमत ममलकत सऊदी अरबिया सिर्फ जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमंद, जैसे कि अमराज़े कल्ब, सांस की दुश्वारियां, हामिला, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिगर जानलेवा बीमारियों से महफूज अफराद को ही इस साल हज के लिए मदद कर सकती है। कोरोना वायरस की आलमी बवा के चलते हुकूमत ममलकत सऊदी अरबिया हज 1443 ईस्वी व मुताबिक 2022 ई के हुजाजे कराम के लिए मजीद सख्त शरायत व जवाबियत का निफाज कर सकती है। लिहाजा इस्तदा है कि सिर्फ जायद अखराजात हद के मुतहामिल, सेहतमंद व नस्बतन जमा उम्र हजरात से ही तयशुदा उसूल व जवाबियत के तहत हज 1443 हिजरी व मुताबिक 2022 सी के लिए दरख्वास्त दें। हुजाजे कराम गैर रस्मी सफ़ीर है, लिहाजा सफ़र के तमाम मराहिल में खुश आइंद अमल और अच्छे बर्ताव से मुल्क का नाम रोशन करें और मुकद्दस सफ़र हज के तमाम उमूर को सही तौर पर अंजाम दें। ऐलान बराए हज, हज का अमल वज़ीर बराए अक़लियत उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से ऐलान बराए हज के साथ ही शुरू होता है और इसके फौरन बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए आज़मीन कराम को हज दरख्वास्त फार्म भरने की अव्वल व आखिरी तारीख, मतलूबा पासपोर्ट की तफसीलात के अलावा मुकलफिक उम्र के लिए मुकर्रर मुख्तलिफ अयाम और तारीख की मामूलात को फराहम करती है। हिंदुस्तानी आज़मीन हज के इंतजाम के लिए मुखलफिक एजेंसियों को मुख्तलिफ काम सौंपे गए हैं। वजारत अकलियत उमूर के मातहत हज कमेटी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में हज के इंतजाम अंजाम देती है। रियासती हज कमेटियां इस काम में मुआनित करती हैं। जिद्दा मदीना एयरपोर्ट पहुंचने पर और ममलकात सऊदी अरबिया में क़याम के दौरान हुजाजे कराम की देखभाल और शिकायत के इजाले की जिम्मेदारी वजारत उमूर खारजा के मातहत कंसल्टेंट जनरल हिंद जिद्दा की है। आज़मीन हज को उनके सामान के साथ जिद्दा मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी वजारत शहरी हवाबाजी की है। वजारत सेहत व ख़ानदानी फला व बहमूद उमूर हुजाजे कराम को ज़रूरी इंजेक्शन, टीके, अद्वियात और मुतालका तिबी इमदाद फराहम करता है। हज दरख्वास्त पूर्ण करने के लिए मुर्दंजुल दस्तावेज का मौजूद होना लाजमी है। हुजाजे कराम से गुजारिश है कि हज दरख्वास्त पूरा करने के लिए मुर्दर्जल दस्तावेज अपने पास पहले से ही महफूज कर लें। पहला पासपोर्ट हज दरख्वास्त फॉर्म पूरे करने के लिए आज़िम हज के पास मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी पासपोर्ट लाजमी है। लिहाजा हर आज़िम को चाहिए कि हज दरख्वास्त फॉर्म पूर्ण करने से पहले मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी पासपोर्ट हासिल कर ले, ताकि ऐन मौका पर दुश्वारी न हो। हज के ऐलान के फौरन बाद वजारत खारजा तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातर को हुजाजे कराम के लिए फौरी तौर पर पासपोर्ट की इशात का हुक्म जारी करती है। बैंक अकाउंट, हर कवर हेड का हज दरख्वास्त फार्म पूर्ण करने के लिए बैंक अकाउंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। बेहतर है कि हर दरख्वास्त गुजार का
अपना बैंक अकाउंट मौजूद हो ताकि वापसी की रकम चाहे किसी बिना पर हो सीधे इन्हीं के बैंक अकाउंट में जमा की जा सके। मोबाइल नंबर, हुजाज़े कराम को दी जाने वाली इतलात SMS और आवाज़ में रिकॉर्ड इतलिया के जरिए दी जाती है, इसलिए हुजाज़े कराम को मशवरा दिया जाता है कि हज दरख्वास्त फार्म में अपना जाती मोबाइल नंबर ही दर्ज करें ताकि वक्त ज़रूरत उनसे बरा रास्ता रابطہ कायम किया जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुतालिका रियासती हज कमेटी की जानिब से पासपोर्ट की असल रकूम की अदायगी वगैरह से मुतालिक फौरी तौर पर SMS मौसूल ना होने की सूरत में आजमीन हज की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद अपनी आर्जी तौर पर मंजूर शुदा हज सीट के मुतालिक दावा नहीं कर सकते। आधार कार्ड, हालांकि आधार कार्ड का होना लाजमी नहीं है, ताहम हुजाज़े कराम को चाहिए कि अपना आधार कार्ड बनवा लें और इसकी मतलूबा तफसील हज दरख्वास्त फार्म में मुखलिस कालम में पूर्व कराएं। हज दरख्वास्त का अमल, हुकूमत ममलकात सऊदी अरबिया ने आज तक हज 1443 हिजवी बमुताबिक 2022 CE के लिए किसी भी रहनुमा खतूत का ऐलान नहीं किया है, लिहाजा ये रहनुमाई खतूत आर्जी है। ताहम कभी इम्कान है कि हुकूमत ममलकात सऊदी अरबिया इमसाल आजमीन हज के लिए अहलियत बराए हज सेहत उम्र समाजी फासले के जवाबित में इंतहाई तब्दीली का ऐलान कर सकती है। ये पाबंदियां आजमीन हज के लिए सेहत से मुतालिक प्रोटोकॉल समाजी फासले और उम्र की हद से मुतालिक होंगे। आज हद इम्कान है कि वजारत हज व उम्रा ममलकत सऊदी अरबिया आजमीन हज के लिए उम्र की हद 65 साल तक मुकर्रर कर सकती है, लिहाजा ये फैसला लिया गया है कि इमसाले हज के लिए सिर्फ 65 साल तक उम्र के आजमीन हज इस मौके पर हज की दरख्वास्त दें। बिना महरम की ख्वातीन आजमीन हज, हज 2020 और हज 2021 की बिना महरम की हज दरख्वास्त गुजार ख्वातीन को हज 2022 ईस्वी के लिए दरख्वास्त फार्म देने पर रुपये 300 फी हाजी वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की अदायगी से मुस्तस्ना रखा गया है। ताहम इनके साथ दरख्वास्त देने वाली नई बिना महरम की ख्वातीन आजमीन हज को रुपये 300 फी हाजी वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की रकम की अदायगी करनी होगी। फिलहाल उम्र की आर्जी बंदिश का इतलाक 45 साल से जायद और 65 साल तक की बिना महरम की ख्वातीन के ज़ुमरे पर भी होगा। हर हाजी के लिए ज़रूरी है कि वह प्रस्थान की तारीख से कम एक महीना पहले तक कोरोना वायरस के लिए स्वीकृत दोनों खुराक हासिल कर ले। सिर्फ ऐसे ही हज यात्रियों को हज 1443 हिजरी 2022 CE में हज यात्रा पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस सूरत में हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम शहरी हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं सिवाय मर्दजा जेल के। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनकी उम्र 10 जुलाई 2022 को या इससे पहले 65 साल की हो चुकी हो। ऐसे हसकास जिनके पास मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी पासपोर्ट हो जो 31 जनवरी 2022 या दरख्वास्त की आखिरी तारीख या इससे कबल जारी किया गया और इसकी मियाद कम अज़ कम 31 दिसंबर 2022 तक हो। एक मुसलमान फ़र्द हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा कर सकता है, लेकिन खातून हाजिम हज के साथ बतौर महरम रिपीटर हज कर सकता है अगर कोई शरई महरम मौजूद ना हो जिसने पहले हज ना किया हो। अगर खातून आजिम अपनी हज सीट मनसूख करती है तो ऐसी सूरत में इस रिपीटर हाजी की हज सीट भी खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। ऐसी सूरत में इस रिपीटर हाजी को मौजूदा खाके में इकरारनामा देना होगा। ताहम अगर ममलकात सऊदी अरबिया ऐसे रिपीटर आजमीन हज को खातून आजमी पहली मरतबा के महरम के तौर पर भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती है तो ऐसी सूरत में ममलकत सऊदी अरबिया के जवाबीत का इतलाक हातमी होगा। ऐसे अशखास जो मोहलिक कैंसर कल्बी अमराज जिगर गुर्दा बवाई तपेदिक के मर्ज और मतदी बीमारी से मुबतला हों जायद उम्र और कोरोना वायरस बवाई मर्ज के पेश नज़र नाअहल होंगे। ऐसी ख्वातीन जिनके साथ शरई महरम ना हो मासीवा चार ख्वातीन का ग्रुप जिनकी उम्र 45 साल से जायद हो अगर कोई मर्द शरई महरम के तौर पर इनके पास मौजूद न हो और इनका मसलक बगैर महरम इन्हें हज पर जाने की इजाज़त देता हो इन्हीं चार ख्वातीन के ग्रुप में
हज दरखास्त फार्म भरने की इजाज़त होगी। वाजे हो कि सफरे हज के हर महरले में ख्वातीन ग्रुप की तादाद 4 से कम नहीं होगी। हामला ख्वातीन और मुकर्रा तारीख तक 65 साल से जायद उम्र के अब खास को कोरोना वायरस अमराज के पेश नज़र फिलवक्त हज पर जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे असकाक जिनके बैरूनी मुल्क सफ़र करने पर किसी भी अदालत ने रोक लगाई हो, ऐसे किसी भी दरख्वास्त गुजार को हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसने सफरे हज के मुतालिक गलत जानकारी दी हो। ऐसे मामलात में उसे सफरे हज के किसी भी मरहले में नाअहल करार दिया जा सकता है। हालांकि मरकज़े रवानगी पर हवाई जहाज से उतारा जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे अशखास की तमाम जमाशुदा रकम जब्त कर लेगी। इसके अलावा अर्जी उन पर कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। ये जवाबात ऐसे दरख्वास्त गुजार पर भी लागू होंगे जिन्होंने इससे कबल हज अदा करने की बात न बताई हो। ये जाब्ता हज बदल करने वालों पर भी लागू होगा। मौजूदा हालात के सरायत और पाबंदियों के पेश नज़र गैर मुमकिन हिंदुस्तानी शहरी फिलवक्त हज दरख्वास्त गुजार देने के अहल नहीं होंगे। लाजमी क्वारंटाइन सरायत और पाबंदियों के पेश नज़र गैर मुकिम हिंदुस्तानी शहरी फिलवक्त हज दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे। हज की दरख्वास्त का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है। हज दरख्वास्त ऑनलाइन पूरा करने के बाबत मुख्तलिफ मौजूदात पर ज़रूरी हिदायत रहनुमाई इशारात वगैरह छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स की शक्ल में यूट्यूब पर मौजूद हैं। हुजाज़े कराम से गुजारिश है कि हज दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन पूरे करने से पहले इन्हें बगैर देखें और बारह पूछे जाने वाले सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात भी मुर्दन जरबाला वेबसाइट पर मौजूद हैं। लिहाजा हाथ से लिखा हुआ टाइपशुदा दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। आजमीन हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.government.in पर ऑनलाइन हज दरख्वास्त फार्म भरना है या गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज दरख्वास्त फार्म भरना है। हुजाज़े कराम मंदराजा ज़ेल दस्तावेज को मुंसलिक करके अपलोड करें। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।